गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज डॉक्टर में। आज हम लोग आपके सामने एक फर्जी सेल्स टैक्स ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला लेके आए हैं, जहाँ पर कुछ बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को बताया कि वो सेल्स टैक्स ऑफिसर है, जिसके कारण ड्राइवर को उन्होंने बंदी बनाया और 5 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट भी लेके वहां से फरार हो गए। आखिरकार मामला क्या है, कहां से आ रहा है, चलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो गाइस, एक्चुअली में ये जो पूरा मामला है हमारे सामने नई दिल्ली से आ रहा है, जहां पर एक ऐसा घटना, एक ऐसा वारदात सामने आई है, जो भी इसके बारे में सुन रहा है वो हक्का बक्का रह जाता है कि यहां पर दिल्ली राजधानी में ऐसा सब चीजें हो सकती हैं। बोला जा रहा है कि जो दिल्ली के गाजीपुर फ्लाईओवर है, वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ पाया गया। इसका जो कि पूरी घटना है ये 29 अक्टूबर की है। 20 अक्टूबर को वहां पर इसके बारे में केस दर्ज करवाया गया। बोला जा रहा है कि जब पूरा ट्रक ड्राई फ्रूट से भरा हुआ था, वहां पर फर्जी सेल्स टैक्स ऑफिसर बनके 3 वहां पर बदमाश आए और उन्होंने उस ट्रक को रोका। रोकने के बाद उन्होंने चेकिंग की, जिसके कारण जिस दौरान ही उन्होंने जो ड्राइवर था उसको बांध दिया और बांधने के बाद ट्रक लेके फरार हो गए। हालांकि उन्होंने जो कि गाजियाबाद फ्लाईओवर है, वहां पर 20 अक्टूबर को पुलिस वालों ने ट्रक तो बरामद कर लिया है, पर बोला जा रहा है कि जो ड्राई फ्रूट वो उड़ा के ले गए हैं वो 5 लाख रुपए के थे। और अभी पुलिस का कहना ये है कि इन आरोपियों, इन बदमाशों को ढूंढने जाने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं और जल्द से जल्द ये कामयाबी हासिल होगी, उन अपराधियों को जल्द से जल्द कब्जे में ले लिया जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।